आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। भंडारा जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी तेज गति से बढ़ रही है। इसी प्रकार आज 26 अगस्त 2020 को जिले के 28 व्यक्ति कोरोना का शिकार हुए हैं। साथ ही आज फिर एक 72 वर्षीय महिला कोविड 19 पॉजिटिव ने जिला सामान्य अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत का कारण ARDS विद कोविड 19 पॉजिटिव बताया जा रहा है। आज पाए गए 28 पॉजिटिव में 17 भंडारा तहसील के होकर इनमें एक 75 वर्षीय निजी डॉक्टर का भी समावेश है। साकोली तहसील के भी 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए एवं तुमसर वलाखनी तहसील में प्रत्येकी एक एक मरीज पाया गया। पवनी में भी 4 व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आए हैं। बता दें कि जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 378 होकर 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज दिया गया है। 26 अगस्त 2020 को आइसोलेशन वार्ड में 140 व्यक्ति भर्ती होकर अब तक 1151 व्यक्तियों को डिस्चार्ज दिया गया। एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से 7077 व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें 324 व्यक्ति संक्रमित पाए गए व 6756 व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।